फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दही के बेनिफिट्स के बारे में तो हम सब जानते हैं। दही ना सिर्फ एक कूलिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है, तो स्किन वाइटनिंग में तो आपकी हेल्प करती ही करती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें जो एंजाइम्स होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं जब आप अपनी स्किन पे इनको लगाते हैं, उससे आपकी एजिंग को रोकने में भी बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है। तो ऐसा ही एक स्किन वाइटनिंग फेस पैक, वो भी दही से बनकर, कैसे आप इजीली अपने घर पर बना सकते हैं। और बहुत इजी सा फेस पैक है, बेसिक से इंग्रेडिएंट्स ही हम हमेशा यहाँ पर यूज़ करते हैं, ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने में, उनको इकट्ठा करने में बहुत परेशानी ना हो। वैसे भी अब फ्रेंड्स मौसम बदल चुका है, गर्मियाँ काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी हैं, और इसीलिए दही तो यूजली गर्मियों में हम सब खाते हैं। कूलिंग एजेंट की तरह इसको जाना जाता है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इतना ही अच्छा आपकी स्किन के लिए भी ये इन गर्मियों में होने वाली है। तो चलिए अपने फेस पैक को हम शुरू कर लेते हैं। इस चीज़ के लिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि आप गाढ़ा दही लीजिए। बेटर होगा कि अगर आप घर पे जमा हुआ दही लेते हैं तो वो ज़्यादा सबसे बेस्ट है, क्योंकि फ्रेंड घर पे हमें पता है कि हम किस तरह का दूध इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर पॉसिबल है तो घर में जमा हुआ दही इस्तेमाल कीजिए। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। इसके अंदर फ्रेंड्स ये 3 to 4 ड्रॉप्स यहाँ पर मैं गुलाब जल की डाल रही हूँ। गुलाब जल फ्रेंड्स एक क्लिंजिंग एजेंट तो है ही, साथ ही आपके चेहरे के पीएच बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब जल उसमें बहुत आपकी मदद करता है। थोड़ा सा फ्रेंड्स एक कंसिस्टेंसी के लिए तो है ही, साथ ही साथ आपके चेहरे को क्लिंज करने के लिए, आपके चेहरे की जो धूल मिट्टी गंदगी जमा है उसको निकालने के लिए 1/2 टेबल स्पून मेरे पास ग्राम फ्लावर, चिकपी फ्लावर या फिर बेसन, जो भी आप इसको कहें, वो हम ले रहे हैं 1/2 टेबल स्पून के लगभग। ज़्यादा आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्टली फ्रेंड्स इसमें हम हनी डाल रहे हैं। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर तो है ही, एक लाइट ब्लीचिंग एजेंट भी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आपकी स्किन पे एक ऐसी लेयर बना के रखता है जिससे आपकी स्किन में टाइटनेस नहीं आती और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहती है। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। देखिए पैक था, सिंपल था, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको लगाने के लिए आप इसको फिंगर से अप्लाई कर लें या फिर आप ब्रश से अप्लाई कर लें, लेकिन 20 मिनट्स इसको ज़रूर लगा के रखिए। और दही अगर हल्का सा ठंडा होगा तो गर्मियों में और ज़्यादा आपको ठंडक प्रदान करेगा। आपका चेहरा इसको वॉश करने के बाद एकदम से रिफ्रेश लगेगा, आपको लगेगा आपके चेहरे में एक नई जान आ गई है। तो इसको अपने चेहरे को फ्रेश बनाने के लिए, उसकी स्किन, अपनी स्किन को वाइटन करने के लिए ये पैक आप वीक में 3 बार बहुत इजीली लगा सकते हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा, आपकी स्किन पे छोटे छोटे पिंपल्स वगैरह हो गए तो कुछ ड्रॉप्स इसमें आप लेमन की भी ऐड कर सकते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।